क्या काम करते हैं? बन मजदूरी करते हैं, तो बन मजदूरी कहाँ करने जाते हैं? दूसरे देहात में करते हैं। अपना काम नहीं करते हैं? नहीं, अपना घर है ये नहीं है, तो पूंजी नहीं है। किसके खेत में काम करते हैं? मुख्य दादा के। कितना मजदूरी मिलता है? 12 बोझा पर 1 बोझा। उससे आपका घर का खर्च चल जाता है? चले तो ना, बाकी मजबूरी में न कर रहे हैं। अपना काहे नहीं करते हैं? पूंजी ना हो उतना तो क्या करें। अगर आप लोग को पूंजी मिले तो उस तरह का खेती कीजिएगा। करेंगे ना। मैंने आज से 6 महीना पहले एक इशू वीडियो बनाया था जिसमें महिलाओं के समूह नहीं बना था, ये एक समस्या थी। इसके बदलाव के लिए सबसे पहले हमने वहाँ की ग्रामीण महिलाओं से बात किया और एक बैठक रखा। बैठक में 22 महिलाओं ने हिस्सा लिया। हम प्रगति ग्रामीण विकास समिति एक संस्था है, उसके माध्यम से एकता परिषद जन संगठन है। जन संगठन के माध्यम से महिलाओं के बीच महिला किसान को जोड़ करके समूह बना करके महिलाएं को खेती कराई जा रही है। जो महिलाएं 10 की संख्या 12 की संख्या में अपने अपने समूह में बट करके खेती करती हैं। खेती जो है वो पट्टा पर ले करके करती हैं, लीज पे। और कुछ महिलाएं हैं जो खरीद करके की हुई हैं, अपना खेती भी है। इस तरह से उन महिलाओं को जो ब्लॉक में जो सरकारी अनुदान आती है कृषि के लिए, उसको दिलाने में सहयोग करते हैं उन महिलाओं को, ताकि महिलाएं अपने आत्मनिर्भर हो। मैंने अपने रजिस्टर पे एक समूह बनाया। समूह बनाने के बाद हम अरवल के कृषि विभाग ऑफिस में जाकर के संपर्क किया और वहां योजनाओं की जानकारी लिया। वहां से मुझे मशरूम की खेती के बारे में जानकारी मिली, जो आजीविका के संचालक गणेश जी द्वारा चलाया जा रहा था। मैंने गणेश जी से संपर्क किया और महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरवाया। उसके 1 महीना के बाद उन महिलाओं को मशरूम की खेती की ट्रेनिंग दी गई। मशरूम का ट्रेनिंग है, मशरूम का खेती करने के लिए, और हमारी महिलाएं या बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो और ज़्यादा मात्रा में इस मशरूम को उगाएँ, पूरे परिवार को खाएं और अपने आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इसका ज़्यादा मात्रा में खेती करें और इससे लाभ उठाएँ। सरकार ने अपने स्तर से महिलाओं को रोज़गार करने के लिए बैंक द्वारा लोन भी सुनिश्चित किया है कि हमारी महिलाएं बैंक से लोन लेकर के मशरूम की खेती को बढ़ावा दें, और इनमें सरकार सब्सिडी भी रखी है 60%। उसके बाद मैंने जीविका के कार्यालय से संपर्क किया। पहले उन लोग को एसएचजी फॉर्मेशन बनाया किया जाता है, एसएचजी बनाया जाता है, उनका वीकली बैठक किया जाता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद उनका बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोला जाता है। 6 मंथ के बाद फिर उसका क्रेडिट लिंकेज का अकाउंट खुलता है। जो सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें जीविका की तरफ से 30,000 रुपीज़ दिया जाता है। वो कोई पर्सनल महिला होती है उनको दिया जाता है या समूह को? पूरे समूह को, समूह को दिया जाता है। और जीविका के कार्यालय से संपर्क करने के बाद हमने अपने गांव में एक सीएम दीदी की नियुक्ति करवाई, और सीएम दीदी की नियुक्ति कराने के बाद उन सीएम दीदी के माध्यम से हमने ग्रुप बनाना शुरू किया। आज हमारे गांव में 12 ग्रुप बन गया है जिसमें 144 महिलाएं शामिल हैं, और ये महिलाएं जीविका के तहत सारा लाभ उठा रही हैं। हमारा समूह बनाना है और इसमें है जो समूह है हमको एकता करना है, और समूहों को साक्षर और निरक्षर में नहीं करना, हमको एकता करके महिलाओं को विकास दिलाना है और भरोसा दिलाना है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। रुकिए, आपका ग्रुप बन गया? कैसे ग्रुप बना? आप अपने आए हैं, ग्रुप मैडम को बुला लाई हैं, मैडम सब ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप बनाने के लिए कौन बोलिन था? जापार। क्या क्या बताया था आपको? वही बताया था कि से काची का मशरूम कहिया होगा, से आप लोग ग्रुप बनाइए या कीजिए, यही सब किया। उसके बाद में वीडियो हुआ, उसी के बाद मैडम आए तो हम लोग का ट्रेनिंग हुआ, तो हम लोग फिर बनाए